राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के रेडियोलॉजी विभाग में आए दिन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी से जल्द ही निजात मिलेगी। कॉलेज में एक डिजिटल एक्सरे और दो आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाई जाएंगी, इससे रेडियोलॉजी विभाग को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में रेडियोलॉजी विभाग में लोगों को चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन रेडियोलॉजी विभाग की मशीनरी सहित अन्य मशीनरी के लिए 1.84 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे मरीजों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक अल्ट्रासाउंड मशीन करीब एक माह से खराब पड़ी है, वहीं एक्सरे मशीन भी पुरानी होने के कारण आए माह खराब हो जाती है। इस कारण मरीजों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की सिटी स्कैन मशीन भी करीब तीन माह से खराब है, लेकिन इसे ठीक करने से इंजीनियर ने मना कर दिया है। पुरानी मशीन होने के चलते ये मरम्मत करने की हालत में नहीं है, ऐसे में नई मशीन खरीदना ही मुनासिब होगा। सिटी स्कैन मशीन के लिए अभी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आगामी प्रक्रिया अमल में ला रहा है, जिससे आए दिन मरीजों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने कहा कि पुराने अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य मशीनों को भी समय पर ठीक किया जाए, ताकि जब तक नई मशीनरी स्थापित नहीं की जाती लोगों को पुरानी मशीनों का ही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि खराब मशीनों के सही ढंग से ठीक नहीं किया जा रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को मशीनों को ठीक करवाकर मरीजों को सहूलियत प्रदान करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल में ये मशीनें पुरानी हैं, इसीलिए इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। सरकार का फर्ज है कि हम लोगों को नई मशीन प्रोवाइड की जाए विद नई टेक्नोलॉजी। जो बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, तो उसको भी बदला जाए। अल्ट्रासाउंड की बहुत पुरानी मशीन है ये, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। नई मशीन प्रोवाइड की जाए। सरकार के पास में किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग की कमी है। वहीं रमेश डोगरा व अश्विनी ने सरकार से पुरानी मशीनों को जल्द ठीक करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुरानी मशीनों को जल्द बदलने पर काम करना चाहिए। ऐसा है कि इन मशीनों की खराबी के कारण जो है ना, मरीज जो है ना इधर उधर भटक रहा है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो प्राइवेट इसमें जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है। इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, या नहीं तो नहीं मंगवाया जाए। अगर नहीं ठीक होती है तो कहीं डिमांड देके नई क्रेड की नई डिमांड देकर मशीन उपलब्ध करवाई जाए। मैं सरकार से ही दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज की अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं, उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। या तो इनको बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, या अगर ठीक नहीं होने वाली हैं तो इनकी जगह नई मशीनें रिप्लेस की जाएं, ताकि आम जनता को जो इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो ना भुगतना पड़े। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी या नई मशीनें लगाई जाएँ या इनको ठीक किया जाए। इस संबंध में MS डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने कहा कि रेडियोलॉजी विभाग में मशीनों को ठीक करवाने के लिए कंपनी को सूचित कर दिया है, लेकिन कंपनी ने अब ठीक करने से मना कर दिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार से मशीनों को ठीक करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, क्योंकि बार बार मशीनों के खराब होने से सभी को परेशानी होती है। डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने कहा कि रेडियोलॉजी विभाग में एक डिजिटल एक्सरे और दो अल्ट्रासाउंड की नई मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इन मशीनों सहित अन्य मशीनरी के लिए 1.84 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और इन मशीनों के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही सिटी स्कैन मशीन के लिए प्रक्रिया को पूरे करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो हमारा सारा जो इक्विपमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट का, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये सारा एग्रीमेंट हुआ है कंपनी है नेक्स्टजेन से। रिपेयर की जो जिम्मेवारी है उस कंपनी की होती है। उस कंपनी को इन दोनों मशीनों के बारे में अवगत करा दिया गया है, टेलीफोन के माध्यम से भी और लिखित ऑनलाइन भी इनको करा दिया गया। कंपनी वाले लोग आए भी थे, अल्ट्रासाउंड को भी देखा उन्होंने, और अल्ट्रासाउंड मशीन को भी और सीटी मशीन को भी, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई है। हमने यहाँ इस ऑफिस से भी, अपने ऑफिस से भी उनको एक लिखित चिट्ठी जो है वो डाल दी है डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन को, कि ये जो मशीनें हैं इनको ठीक ये नहीं कर पा रहे, तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो ये ठीक किया जाए इनको।
अगर नहीं है तो इस तरह का करार जो है वो उसकी क्या वैधता रह जाती है अगर ये ठीक नहीं कर पाते हैं, तो हमें अवगत करा दिया गया है डिपार्टमेंट को। तो 3 नई मशीनें अल्ट्रासाउंड की हमें आने की संभावना जल्दी से जल्दी है, जो कि आज उसका पता लग जाएगा कब आएगी। और साथ ही एक चौथी जो है वो एक्सरे मशीन, ये 4 चीज़ें आज ही पता लग जाएगा, जेम पे ऑर्डर कर दिया गया है। और एक बड़ी डिजिटल मशीन जो कि 1 करोड़ से ऊपर की है, उसके ऑर्डर भी कर दिए गए हैं। और डिजिटल एक्सरे जल्दी से जल्दी लोगों की सेवाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा, 15-20 दिनों में उसका ऑर्डर भी हो गया है। तो 2 एक्सरे मशीनें और 3 अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो जल्दी से जल्दी यहाँ नई आ जाएंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी सुविधा शुरू हो जाएगी मिलने।